राजू एक पुस्तक 200 रुपए में खरीद कर 240 रुपए में बेचता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है बताओ? खरीदने वाला मूल्य। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? खरीद मूल्य। तो राजू पुस्तक कितने में खरीदा है? 200 रुपए में। और पुस्तक बेचा कितने में? 240। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी कि 240 रुपए। विक्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है? बेचने वाला मूल्य। पुस्तक का क्रय मूल्य 200, पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 240। तो देखिए लाभ का एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है बताओ? 240 यानी कि बेचने वाला मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200। तो 240 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ गया? 40। तो ये जो 40 क्या है, लाभ निकला है। यानी कि पुस्तक राजू 200 रुपए में खरीदा है और 240 में बेचा है, लाभ हुआ है 40 रुपए का। लेकिन सवाल में बोला है कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, या हमें प्रतिशत निकालना है, यही सवाल इंपोर्टेंट है। तो देखिए प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है? तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो यहाँ पे लाभ कितने रुपए हुआ था? 40 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपए यानी कि खरीदा हुआ मूल्य। यानी 40 रुपए का हमें लाभ हुआ है और खरीदे थे हम 200 रुपए का और गुणे में 100। 100 का मतलब क्या होता है? हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत निकालने हैं। अब हमें इसको सोल्व करना है। देखिए सोल्व कैसे होगा? 2 0 से 2 0 कट गया। अब 2 1 2, 2 2 4 और 0। तो यानी कि यह आ गया 20%। तो राजू पुस्तक 200 रुपए में खरीदा था और बेचा था 240 रुपए में, तो उसको इसमें 20% का लाभ हुआ है, ठीक है।